नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सेंट एंजेल्स पब्लिक स्कूल। एज यू नो, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम फॉर यू एंड दिस इज चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑफ 10th क्लास एंड दिस इज वीडियो नंबर 25। ठीक है, लास्ट टाइम हमने अलॉयज को डिस्कस किया था, तो आज अलॉय का एक और एग्जाम्पल स्टडी करते हैं, तो वो है गोल्ड। तो देखिए, गोल्ड एज एन अलॉय, देखिए आपको पता होना चाहिए कि प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन कैरेट। गोल्ड की जो प्योरिटी है वो कैरेट में मेजर की जाती है। और गोल्ड को भी हम एक एलॉय की फॉर्म में क्या करते हैं, यूज करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो गोल्ड है वो हम जो गोल्ड यूज करते हैं वो एक एलॉय की फॉर्म में यूज करते हैं, और कैसे यूज करते हैं वो हम थोड़ा देखेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन कैरेट। गोल्ड की जो प्योरिटी है वो कैरेट्स में मेजर की जाती है। तो 24 कैरेट गोल्ड जो होता है, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड। ये गोल्ड का सबसे प्योर फॉर्म होता है। 24 कैरेट गोल्ड जो होता है, ये गोल्ड का सबसे प्योर फॉर्म होता है, सबसे शुद्ध रूप होता है। ठीक है ना, 24 कैरेट गोल्ड जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड होता है, सबसे शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट गोल्ड, और ये बड़ा सॉफ्ट होता है। बट इट इज वेरी सॉफ्ट, है ना। 24 कैरेट गोल्ड जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड है, बट ये जो सोना होता है 24 कैरेट गोल्ड, ये बड़ा ही सॉफ्ट होता है। तो आपका जो 24 कैरेट गोल्ड है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड है, बहुत सॉफ्ट होता है। सो वी कैन नॉट यूज दिस गोल्ड टू मेक एनी टाइप ऑफ ज्वेलरी। इसका यूज किसी तरह की ज्वेलरी बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, या कोई दूसरा ऑर्नामेंट बनाने के लिए हम 24 कैरेट गोल्ड का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज जो हमारा 24 कैरेट गोल्ड है वो गोल्ड का सबसे प्योर फॉर्म है और बड़ा मुलायम होता है, तो उससे ना तो कोई आभूषण बनाया जा सकता है और ना ही उससे कोई सजावटी सामान बनाया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या होता है, मुलायम होता है। तो 24 कैरेट गोल्ड जो है उसका यूज किस लिए किया जाता है? तो उसका यूज जो है सिर्फ और सिर्फ स्लैब या बिस्किट, मतलब जैसा आपने सुना होगा सोने की सिल्ली या सोने के बिस्कुट, तो वो बस खाली जो 24 कैरेट गोल्ड है या तो वो स्लैब्स की फॉर्म में होता है या बिस्किट्स की फॉर्म में होता है, उसका कुछ और नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, क्यों नहीं बनाया जा सकता? बिकॉज 24 कैरेट गोल्ड जो है वो बड़ा ही प्योर, मतलब प्योर तो होता ही है, साथ में मुलायम भी होता है। ठीक है, फिर हम कैसे यूज करेंगे इस गोल्ड का, कैसे यूज करेंगे? मींस अगर हम गोल्ड को यूज करना चाहते हैं इसको, तो उसमें क्या लानी पड़ेगी? कुछ हार्डनेस लानी पड़ेगी, कुछ कठोरता लानी पड़ेगी। ठीक है, सो
टू प्रोड्यूस सम हार्डनेस इन 24 कैरेट गोल्ड वी कन्वर्ट इट इनटू अलॉय। हम इसको अलॉय में चेंज कर देते हैं, मींस वी डू अलॉयिंग ऑफ गोल्ड, मींस वी डू अलॉयिंग ऑफ गोल्ड, हम गोल्ड की अलॉयिंग कर देते हैं, मींस गोल्ड को अलॉय में चेंज कर देते हैं। और क्यों कर देते हैं? कुछ हार्डनेस लाने के लिए, कुछ कठोरता लाने के लिए, ठीक है। और वो अलाइन कैसे की जाती है? तो वो अलाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, वी मिक्स सम अमाउंट ऑफ सिल्वर और कॉपर इन गोल्ड। हम क्या करते हैं, गोल्ड में थोड़ा सा सिल्वर या कॉपर मिला देते हैं। और क्यों मिला देते हैं? ताकि उसको उसमें कुछ हार्डनेस लाई जा सके, कुछ कठोरता लाई जा सके। तो गोल्ड के अंदर हम मिक्स कर देते हैं सम अमाउंट ऑफ सिल्वर और कॉपर, और इस प्रकार से गोल्ड किसमें चेंज हो जाता है, गोल्ड चेंज होता है, चोन चेंज हो जाता है एक एलॉय में। और ऐसा क्यों किया जाता है? टू प्रोड्यूस सम हार्डनेस द गोल्ड। हम क्या करते हैं, गोल्ड में हार्डनेस लाने के लिए हम उसके अंदर कॉपर या सिल्वर को मिला देते हैं। गोल्ड में हार्डनेस लाने के लिए हम उसमें कॉपर या सिल्वर मिक्स कर देते हैं, ताकि वो उसमें हार्डनेस आ जाए। और इस प्रकार से हम गोल्ड को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, अलॉय, अलॉय में चेंज कर देते हैं। तो देखिए, अब नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई कहता है कि 24 कैरेट गोल्ड का ये मेरे पास ऑर्नामेंट है या मेरे पास ये ज्वेलरी है, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड जो है वो यूज ही नहीं किया जाता है। तो कितना गोल्ड, कितने कैरेट गोल्ड हम लोग यूज करते हैं ज्वेलरीज के लिए, वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, तो जैसे अगर आपको दिया है 23 कैरेट गोल्ड, तो इसका मतलब होता है कि 23 पार्ट तो हुए गोल्ड के, और उसके अंदर वन पार्ट किसका है, वन पार्ट है सिल्वर का या फिर कॉपर का। अगर आपसे कहा जाता है 22 कैरेट गोल्ड, तो 22 कैरेट गोल्ड का मतलब है 22 पार्ट किसके हैं, गोल्ड के हैं, और टू पार्ट किसके हैं, टू पार्ट सिल्वर या कॉपर के हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है कि 20 कैरेट गोल्ड, तो इट मींस उस गोल्ड में 20 पार्ट किसके हैं, गोल्ड के हैं, और 4 पार्ट किसके होंगे, सिल्वर के या फिर कॉपर के, ठीक है। इस तरह से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कितना परसेंटेज गोल्ड का है और कितना परसेंटेज सिल्वर या कॉपर का है। और एक सिल्वर एक या कॉपर मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही क्या करते हैं, वो जो आपका ऑर्नामेंट है या जो आपकी ज्वेलरी है उसके अंदर क्या लाते हैं, हार्डनेस लाते हैं, हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन,
अलॉय क्यों बनाए जाते हैं, व्हाई वी मेक अलॉयज, व्हाई वी मेक अलॉयज, हम अलॉयज क्यों बनाते हैं? आंसर है अलॉयज इसलिए बनाए जाते हैं, तो पहली बात आप समझ लीजिए कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ अलॉयज होती हैं, जो प्रॉपर्टीज ऑफ अलॉयज, अलॉय की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट दे आर नॉट इक्वल टू प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यानी जो अलॉय की प्रॉपर्टी है और जो उसको बनाने वाले एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती हैं। ये बात अपने आप दिमाग में बिठा लीजिए कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ अलॉयज होती हैं, दे आर नॉट इक्वल टू प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, ठीक है? तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इस बात का, देखिए मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे है ऐसा। देखिए जैसे स्टील है, स्टील बनी हुई है आयरन से और कार्बन से, जो सबसे पहले स्टील बनाई गई थी वो आयरन और कार्बन का होमोजीनियस मिक्सचर थी। तो क्या स्टील और आयरन की, इनकी स्टील और इसके प्रॉपर्टी मैच करती है? आंसर नहीं। क्यों? स्टील क्या होती है? कोरोजन रेजिस्टेंट होती है ना? और आयरन क्या होता है? इजीली गेट कोरोडेड, लोहे में बहुत जल्दी जंग लग जाएगी, और जबकि जो आपका जो स्टील है वो कोरोजन रेजिस्टेंट होती है। स्टील क्या होती है? हार्ड होती है, और जो आयरन होता है ये होता है लेस हार्ड, आयरन उतना हार्ड नहीं होता जितनी हार्ड स्टील होती है ना। तो आपने क्या नोट किया कि जो अलॉय की प्रॉपर्टी है और जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो मैच नहीं करती। तो मेन जो पर्पस अलॉय बनाने का यही है, मेटल्स की प्रॉपर्टी को अल्टर कर देना, मेटल की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देना, या मेटल्स में, मेटल्स के अंदर अपनी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज को लाने की कोशिश, लाने के लिए हम अलॉयिंग करते हैं या अलॉय बनाते हैं, ठीक है? मींस अलॉय बनाने का मेन पर्पस ये है कि हम चाहते हैं, हम मेटल्स की प्रॉपर्टी को अल्टर करना चाहते हैं, मतलब अल्टर करना चाहते हैं, उनको चेंज करना चाहते हैं, तो हम अलॉय बनाते हैं। तो क्यों बनाते हैं अलॉयज? टू इंक्रीज हार्डनेस, हार्डनेस लाने के लिए, टू इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि मेटल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, टू लोवरिंग द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए, टू मॉडिफाई केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी को चेंज करने के लिए, और मेटल की जो कोरोशन से बचने की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम अलॉयज क्या करते हैं? बनाते हैं। दीज आर सम पर्पस टू मेक द अलॉयज, ठीक है? अलॉयज बनाने के कुछ पर्पस मैंने आपको बताए कि अलॉयज क्यों बनाए जाते हैं, हार्डनेस बढ़ाने के लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करने के लिए, केमिकल रिएक्टिविटी को चेंज करने के लिए, और मेटल की कोरोजन से बचने की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, या मेटल को कोरोजन रेजिस्टेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मेटल को अलॉय में चेंज कर देते हैं।